सबीन, वो लोग जो राइजिंग पाकिस्तान की टीम जो आज से 4 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था उसमें से फिर कहीं हाईजैक हो गए है ना, हाँ। आज उनको वापस बुलाने का हमारा प्लान वो है। भाग गए राइजिंग पाकिस्तान से। हम उनको ढूंढते रह गए और फिर हमने उनको देखा बड़ी स्क्रीन पे, तो हमने कहा अच्छा यहाँ पे भाग, बड़ी स्क्रीन मतलब कि फिल्म की दुनिया जिसे आप कहते हैं कि जिस सिनेमा में उनकी पिक्चर्स हम देख रहे हैं और डिफरेंट ड्रामाज में आप लोग देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब हम जरा उन्हें कहें वापस आए राइजिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली, हमारे साथ फैसल शहजाद मौजूद हैं जो कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे भी और अभी भी हैं, अभी भी कभी कभी ये सेगमेंट लेके आते रहते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम तौसीक भाई, थैंक यू सो मच। सबीन, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग डिफरेंट टुडे है ना, क्या समथिंग डिफरेंट। वो उस जमाने में ऑरेंज सोफा होता था, उसको ऑरेंज को सोफे को हमने पीला रंग करवा दिया, वो पीला सोफा। नहीं, वैसे हमेशा ये सेगमेंट के लिए आते थे ना, आज ये हमारे शो में मेहमान बन के आए हैं। एग्जैक्टली यार, ये हमें हमें बड़ी खुशी होती है कि इसलिए कि कराची जाके फैसल ने जिस तरह से अपना एक्टिंग करियर डिजाइन किया और अब अच्छे अच्छे ड्रामों में आ रहे हैं, और जैसे आपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी जिसको आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हमने सुना है कि कराची में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एक्टिंग की दुनिया के, जरा अंदर की कहानियाँ में बताओ। तो ठीक भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ फेलियर। तो आपको सबसे पहले ये जो आपने कॉम्पिटिशन की बात की है ना, तो इसका जवाब यही है कि इतना कॉम्पिटिशन है कि आपको फेलियर हर दूसरे दिन देखने को मिलता है, हर एक को जितना भी बड़ा स्टार हो। लेकिन जब आप अपना एक्टिंग करियर शुरू कर रहे होते हैं तो ये आपको पहले से बताया जाता है, भाई यू आर गोइंग टू फेल। तो जब मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी पता था कि मुझे हर रोज रिजेक्ट किया जाएगा और कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि मैं ऑड्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर ऑल द ऑड्स, आपको इस माइंड सेट के साथ जाना होता है। अब तो इंडस्ट्री, तो सीख साहब आपको पता है सोशल मीडिया के बाद, तो सीख भाई अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन कि आपको सिर्फ एक्टर्स के साथ कॉम्पीट नहीं करना, सिर्फ एक्टर्स नहीं के साथ करना, आपको सोशल मीडिया पे भी अपने आप को लेके चलना है, आपको अपनी जो आपका फुटस्टेप है, अपना जो फुटफॉल है, जो आपके लोग आपको पसंद करते हैं या आपकी जो फैन फॉलोइंग है, उसको आपने हर रोज एक चैलेंज है आपके लिए। तो आपके साथ भी फैसला ऐसा होता है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख के अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम है तो वहाँ पर जहाँ पर रिजेक्शन की आप बात करें तो इस बेसिस पे भी रिजेक्ट किया जाता है, बिकॉज़ अब दौर है सोशल मीडिया का। ऑफ कोर्स, अब आजकल होता ही है। लेकिन ये फेयर बात तो ना हुई ना, अदाकारी का इम्तहान है, अदाकारी का मैदान है, तो मुकाबला अदाकारी पे होना चाहिए, फॉलोअर्स शॉलर्स वाले चीज पे फैसला होना थोड़ा सा अनफेयर है मेरा। ये अनफेयर है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज, दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि लोग उसी को देखना चाहते हैं जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है, क्योंकि सारे आप ये देखें कि आप टीवी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज ऑन द फोन। अच्छा, आपके पिछले 3-4-5 महीनों में आपके 2 सीन्स बहुत वायरल हुए। एक में हमारे बहुत ही मंझे हुए अदाकार और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त नूरुल हसन, जो कि टीवी एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनका अपना एक मुनफरद अंदाज है। नूरुल हसन के साथ फैसल आपका एक सीन था जिसमें आप सही टक्कर पे आए, और मैं देख रहा था वो वायरल हुआ तो नीचे कमेंट्स थे कि जी फैसल वो अदाकारी के जबान में कहते हैं खा गया नूर को या नूर खा गया फैसल को, और एक बाबर अली साहब के साथ आपका सीन था वो बड़ा वायरल हुआ। तो ये बताएं कि ये कैसे इतने बड़े एक्टर्स के साथ सामने जाके फेस टू फेस उनको टक्कर देना। I'm sorry, अगर वो लोग देख रहे हैं तो मैंने कोई आपको टक्कर नहीं दी और ना मैंने आपको खाया है। मैं तो बात करूँ नीचे जो कमेंट्स आते थे। Exactly. तो सिख भाई, असल में होता ये है कि मेरी जो लर्निंग है ना वो बड़ी मज़ेदार हुई है। मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया, और वो कैसे सिखाया, मैं करता क्या हूँ, जब भी मेरा कोई सीन आता है और मैं देखता हूँ कि किसी बड़े एक्टर के साथ है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनके पास चला जाता हूँ सीन से बाद। अच्छा। और मैं उनसे कहता हूँ मुझे बताइए कैसे करना है, और वो मुझे बताते हैं कि ये कैसे करना है। और आपने वो जो मेरी परफॉर्मेंस जो थोड़ी बहुत मैंने अच्छी देखी आप लोगों ने, वो उन लोगों की वजह से, वो नूर भाई की वजह से है, वो बाबर अली की वजह से है। तो मेरे पास मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप उनसे वो आएंगे उनसे पूछ लें आप बेशक। और दूसरी बात यह है कि वो नूर भाई जो और बाबर अली जो है वो दोनों इतने सीनियर और इतने मंझे हुए हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं आपको वाक्य बताता हूँ, वो जो सीन आपने वायरल देखे उसका बड़ा मजेदार वाक्य, उसमें मुझे एक थप्पड़ पड़ता, ठीक है, बहुत जोरदार थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा, बड़ी खुशी हुई थी। हमने कहा राइजिंग पाकिस्तान छोड़ के गया था ना, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, एक और लाइन असल में पड़ा था ऐसे, वही बताने लगा हूं मैं, वही बताने लगा हूं। असल में होता ये है कि एक्टर्स क्या करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं थप्पड़ को अवॉइड करते हैं कि जी हम इसको माइम करेंगे,
तो नूर भाई ने मुझे कहा कि हाँ फैसल, अब मेरा पहला एक्सपीरियंस था थप्पड़ खाने का, तो नूर भाई को मैं पास, मैंने कहा नूर भाई ये कैसे करना, उसे कहा मैं बस यूं माइम करूंगा, तो तुम अपनी लाइन हो, उसके बाद ऐसे बताइए पीछे से आवाज आएगी, ऐसे आवाज डालेंगे और एक्चुअल चांटा पड़ेगा नहीं। हाँ, तो मैंने कहा नूर भाई मैं आपको एक सॉरी बात कहना चाहता हूँ, स्टूपिड लगेगी आपको, आप मुझे एक्चुअल थप्पड़ मारें क्योंकि मेरे से एक्टिंग होगी, मेरे अंदर नया नया एक्टर आया हुआ था। वो एक्टिंग भरी हुई थी। पर वैसे भी हमारे ड्रामों में औरतों को इतने थप्पड़ पड़े हैं कि किसी मर्द को थप्पड़ पड़ रहा था तो वो तुमने भी सोचा होगा कि अच्छा वो सीरियस ही पड़ जाए। और मुझे ये था शायद यही वायरल हो जाए। तो मैंने उनसे कहा नूर भाई आप मारे मुझे थप्पड़। तो सेट पे सब लोगों ने कहा ये बड़ा हीरो बनने आया है ना थप्पड़ खाने के लिए आया। तो नूर भाई ने कहा अच्छा सोच लो फिर मैं मारूंगा जोर से थप्पड़, ये तुम्हारा आखिरी थप्पड़ हो सकता है जिंदगी में, कभी नहीं कहोगे मुझे थप्पड़ मारे अगले एक्टर को। मैंने कहा नहीं आप मारे, मारे आप मारे नूर भाई कुछ नहीं होता, मैं हीरो बनूंगा इंशाल्लाह आप मारे। नूर भाई ने रख के थप्पड़ मारा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं वाकई कैरेक्टर में चला गया उस थप्पड़ की वजह से। उस थप्पड़ ने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे ऐसे लगा कि वाकई ये सच में मेरे साथ हुआ है। और उसमें मेरे बाद के जो डायलॉग्स, उसके बाद के जो मेरे आंसू निकल रहे हैं वो वाकई उस थप्पड़ के इम्पैक्ट से निकल रहे हैं, वो इतना उसका इम्पैक्ट था। रिहर्सल्स इसकी हुई थी और क्या एक ही थप्पड़ पड़ा था, एक ही टेक थी क्या था? वो माइम से हुई थी रिहर्सल, लेकिन जब उन्होंने थप्पड़ मारा ना तो मुझे लगा कि वो इतना जोरदार नहीं मारेंगे, वो जब माइम में मारे थे ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मारा सीन मुझे तोड़ करके थप्पड़ और मुझे तारे नजर आ गए बाकायदा। और फिर उसके बाद जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो असल में वो उसी वक्त मुझे समझ नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे शुक्र है डायलॉग नहीं बोला। अच्छा उसके बाद नूर भाई ने कहा कि यार तुम एक बात बताओ, तुमने बॉडी शॉडी तो बहुत अच्छी बनाई हुई है, मुंह दी भी कोई एक्सरसाइज करना है हड्डियाँ दी, उनके भी हाथ पे दर्द था बहुत ज़्यादा। सो दिस वॉज अच्छा सबीन, अब जब बात हो रही है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सबीन तुम्हें वो फैसल याद है जो आज से चार साल पहले राइजिंग पाकिस्तान में आया था, वो फैसल क्या था और अब का फैसल क्या है? Exactly, हम जरा स्क्रीन और पे भी उससे भी पहले का कुछ फैसल आपको दिखाते हैं। तो जनाब चार ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स हैं, वो सब लोग जो डरते हैं कि ये कैसे होगा, ये देखो कैसे होगा। ओए होए भैंसा, तो फैसल ने राइजिंग पाकिस्तान में जो लेफ्ट वाले फैसल है पर्पल शर्ट वाले ऐसे ज्वाइन किया था, पर्पल शर्ट वाले, और ये उसके बाद फैसल ऐसे बन गए। ये फैसल का मैं अगर कहूँ कि बेटा साथ खड़ा हुआ तो वो भी शायद दुरुस्त नहीं है। फैसल ये वाकई तुम हो लेफ्ट पे? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, आई डिडंट नो दिस पर्सन एग्जिस्टेड जब मैंने ये स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि इसके अंदर से ये निकल सकता है। हाँ, अच्छा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प किया इसमें सारा ना, माय फ्रेंड्स लाइक तौसीक भाई, इनफैक्ट ही काशिफ माय यंगर ब्रदर, इन दोनों ने मुझे ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट उन दोनों को जाता है। लेकिन फैसल सोचा किस तरह से कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है, लोग कहते हैं अच्छा इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकेंगे, क्या सोच थी, ऐसा क्या गोल था? सोच ये थी कि एक तो मैं जब आके राइजिंग पाकिस्तान में बैठा था पहली दफा और जब मैंने अपने आप को देखा ऐसे स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने कहा यार ये मैं लोगों को क्या दे रहा हूँ, मतलब व्हाट आई एम गिविंग देम, सो आई शुड रिस्पेक्ट, अब मुझे अगर ये स्क्रीन मिल गई है तो मुझे इसको रिस्पेक्ट देनी है, तो मुझे अपने आप को वैसा दिखाना है जैसे स्क्रीन पे दिखना अच्छा लगता है। मैंने कोशिश की कि अब लोग मिसाल के तौर पे अगर दिस इज़ माय जॉब राइजिंग पाकिस्तान तो इट्स पेइंग मी, तो व्हाट आई एम डूइंग इन रिटर्न ऑफ दैट, तो कहते हैं कि ऑलवेज डू मोर सर्विस, गिव मोर सर्विस देन यू आर पेड फॉर, तो इन रिटर्न आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन सबीर ने कहा कि पहला स्टेप मुश्किल होता है, मैं तो ये कहूंगा कि पहला स्टेप शायद इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन उसको फिर सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन, फैसल आपको पता है राइजिंग पाकिस्तान के, हम भी हेल्थ एंड फिटनेस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी अपने फैसल के अंदर से एक और फैसल इन्वेंट करना चाहते हैं ना, रीडिस्कवर करना चाहते हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं ख़वातीन हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितना अर्सा लगा और कुछ बेसिक टिप्स उसको सस्टेन करने के लिए माइंड गेम कैसे खेलें। अच्छा तौसीक भाई, जो इसको सस्टेन करना है ना वो सबसे मुश्किल आपने बता दिया मरहला है, लेकिन पहला स्टेप लेना आपको होता है, ये एक 5 सेकंड की गेम है तौसीक भाई। 5 सेकंड? 5 सेकंड लगते हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैं नहीं कह रहा कि आपको एक साल लगेगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 5 सेकंड में हो जाती है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये करना है।
नो मैटर व्हाट, आपको बनना पड़ता है नो मैटर व्हाट पर्सन, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं कभी भी नहीं कर सकता, दिस कैन नेवर हैपन, और मुझे लगता था कि आई एम टू लेट फॉर दिस, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस. तो अब मुझे फेथ कैसे आया, आई वॉच्ड वीडियोस, मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैंने सीखा इसके बारे में, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी इसके बारे में. एवरी डे एवरी मॉर्निंग मैं ऑफिस जा रहा होता था, मैं वीडियोस सुन रहा होता था, मैं देख रहा होता था, क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग अगेन एंड अगेन. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मसला है वो ये कि इसमें कोई इसकी मंजिल नहीं है. नहीं, इसकी कोई मंजिल नहीं है. यस, क्योंकि आपने खुद ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी, तो आपको तो अंदाजा है इसकी कोई मंजिल नहीं है. अच्छा, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट के ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टिप्स क्या है इसकी, बेसिकली इसकी मोटी मोटी टिप्स ये है कि आपकी जिंदगी में ना कोई गोल होना चाहिए, अपनी जिंदगी को एक गोल के साथ बांध लें. ठीक है, यू नीड टू हैव अ मोटिवेशन, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक क्लर्क हैं, चाहे आप टीवी होस्ट हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं, गोल जरूर होना चाहिए. आप अपने डायरी पे या अपने पास एक जर्नल बनाएं और उस पर लिखे कि ये मेरा वीकली गोल है, ये मेरा मंथली गोल है, ये मेरा एनुअल गोल है, मैंने इस हफ्ते में ये काम करना है. तो जब अपने आपको एक गोल के साथ बांध लेते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलती है एवरी डे, और उस मोटिवेशन की बना पे आपकी सस्टेनेबिलिटी चलती रहती है, आप ये करते रहते हैं. और जब आपके अंदर रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, जब आप रिजल्ट्स देखते हैं, आपको नहीं नज़र आते रिजल्ट्स, लोगों को नज़र आते हैं. फिर लोग जब आपको कमेंट करते हैं, आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, आपको लोग कहते हैं कि यार यू हैव चेंज माशाल्लाह, यू आर नॉट द सेम पर्सन. और दूसरी तरफ नॉट द सेम पर्सन की बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स योर, आप मेंटली भी बहुत चेंज हो जाते हैं, यू आर नॉट द सेम पर्सन अगेन. आपकी बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो जाती है, आपका स्लीपिंग साइकिल चेंज हो जाता है, आपका लोगों के साथ उठना बैठना, दोस्तियों निभाना, लोगों के साथ कंपनी करना, वो सब चेंज हो जाता है, क्योंकि आप उस लेंस के साथ सोचते हैं कि मैंने अब अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मैंने अपना ख्याल रखना है. और लॉन्जेविटी होती है ना इससे आपकी, एक्सरसाइज से, हेल्थ से, फिटनेस से, इस सब से. सो टिप्स मोटी मोटी ये हैं कि आप अगर आज अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि आपने ज़िंदगी में सिर्फ यही काम करना है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं, आपकी प्रायोरिटी है ये, आपकी ज़िंदगी आपकी प्रायोरिटी, आपकी हेल्थ. और पोर्शन में खाना शुरू करें, सबसे पहले आपने पोर्शन कंट्रोल करना, जो भी खा रहे हैं कुछ भी खाएं. मैं कहता हूं पूरी हलवे खाएं नाश्ते में आप, लेकिन भूख रख के खाएं, दही बड़े खाएं, हाँ भूख रख के खाएं, सही, पेट भर के ना खाएं. वो क्या कहते हैं उसे, हाफर के ना खाएं, हाफर के ना खाएं, हाफर के ना खाएं, कम खाएं, भूख रहनी, तश्नगी रहनी चाहिए. बड़ा मुश्किल काम है ये, वैसे मुश्किल काम है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है कि आप भूख जो है आपको लग रही है और आपको का, लेकिन अगेन फिर आप अपने आप को आईने में देखें ना. बार बार आईने में देखें कि आपने क्या लोगों को आप दे रहे हैं देखने के लिए, व्हाट यू आर गिविंग टू पीपल. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ये बात नहीं कर रहे कि बॉडी शेमिंग या ऐसी कोई चीज़ है कि आप आईने में कोई बुरे लग रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है, बट ये कि आप जब देख रहे होते हैं अपने आप को, तो आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि आप फिजिकली फिट नहीं है, आपको फिजिकली फिट रहना है एक शेप में, ताकि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकें स्क्रीन पे. दैट्स ट्रू, लेकिन मुझे लगता है आप फिजिकली फिट होने से आगे बढ़ने के लिए, इट्स अबाउट योर हेल्थ. एग्जैक्टली, ठीक है, हेल्थ इज प्रायोरिटी. बिल्कुल, आपकी जिंदगी में सबसे, आप अगर फिट है, हेल्दी है, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. अच्छा, अब फैसल ये बताएं कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी जो मोटिवेशन थी कि आप बाकायदा प्रोफेशनल एक्टिंग के अंदर आए, जी जी, आप इस्लामाबाद से कराची मूव हुए, आपने अपना शहर बदला, हिजरत की और वहाँ जाके माशाल्लाह यू क्लिक्ड, वो मोटिवेशन थी स्क्रीन पे आने की, करियर की. एक आम आदमी को बताएं जिसने कोई टीवी शीवी पे नहीं आना, जिसने कोई एंकरिंग नहीं करनी, उसने कोई हीरो नहीं बनना, वो फिजिक्स के प्रोफेसर साहब हैं जो एक सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिनकी उम्र 40 ईयर्स है, और वो हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल. एक आम आदमी जिसने टीवी पे नहीं आना, उसके लिए क्या मोटिवेशन हो सकती है? उसके लिए मोटिवेशन हो सकती है उसकी हेल्थ. हमने ये देखा है कि आपने एक्सक्यूज मी, हम ये देखते हैं कि अगर आप जनरली एक सर्वे देखें या आप पढ़ें जाके ऑनलाइन या आप किताबों में देखें, तो आजकल तो सीख भाई 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, 25 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं, ठीक है, आपको बीमारियां हो रही होती हैं, वो पाइल अप हो रही होती हैं आपके अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं होता. तो आपकी मोटिवेशन यही है, अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं, कि आप कितने हेल्दी हैं. अगर आप बहुत अच्छी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स.
आप अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल होंगे। आप ये देखें कि आप अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। एक हेल्दी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, या आप एक अनहेल्दी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। सो यू डिसाइड। अच्छा जी, अब जरा हमें क्विकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन ये बताएं कि अब एक्टिंग की दुनिया में क्या हो रहा है, फैसल के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। बड़ी स्क्रीन पे फैसल हमें कम नजर आ रहा है। हमने तुम्हें यहाँ से लॉन्ग लीव इसलिए राइजिंग पाकिस्तान से दी थी, हमें अपनी फिल्म तुमने दिखानी है। फिल्म दिखानी थी हमें। फिल्म नहीं, फिल्म। इसके अलावा ओके, गॉसिप शॉप तो वो भी बता दे, हम बड़े बेचैन हैं। अच्छा, गॉसिप जो है वो तो बहुत सारी चलती रहती है, आपको पता है हमारी, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जो हैं वो तो गॉसिप्स ढूंढते रहते हैं एक्टर्स के अंदर कि एक्टर ने कुछ ना ऐसा किया नहीं और उसको गॉसिप बना देते हैं क्रिकेट्स के लिए। लेकिन पहले मैं उसका जवाब दे दूं तो सिख भाई, अभी बहुत सारे मेरे अभी प्रोजेक्ट्स जो है अभी मैंने किए हैं, लेकिन दो प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्ली उनमें से एक पीटीवी होम पे आपको देखने को मिले, जो कि मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट। पहले आप तो सिख भाई आप काम कर रहे होते हैं कि आपको जो भी काम मिल जाए ना, फिर आप देखते हैं कि नहीं नहीं यार, ये मैंने नहीं करना है, ये मैं टाइप कास्ट हो रहा हूँ, ये मुझे एक जैसा रोल मिल रहा है। तो फिर जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फिर आप प्रोजेक्ट को देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा यार ये मैं करूं या नहीं, ये मुझे करियर में कहां लेके जाएगा। अब वो वाला स्टेज आ गया कि आप मुझे करियर में कहां लेके जाएगा। तो अभी तो वो चल रहा है सर, और फिल्म मैंने एक फिल्म की है और उस फिल्म में मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो काम ज़्यादा है या थोड़ा, इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है आपके कैरेक्टर का उससे फ़र्क पड़ता है। तो वो फिल्म प्रॉब्ली आप इस साल के आखिर में देखेंगे, उस फिल्म का नाम है मस्तानी। ओके, और बड़ी स्क्रीन की बात होगी। और क्या कह रहे थे आप? और सबीन का सवाल था कि कोई हमें जाते जाते को मसाला फेंक जाओ। अच्छा, ऐसे हम हलीम तैयार है, ऊपर जरा गार्निशिंग हो जाए। आज के दिन की गॉसिप मकसद। अच्छा, मैं आपको अपनी गॉसिप बताता हूँ, छोड़े बाकियों की। अच्छा, ये लो भी, ये भी कोई सीन बड़ा अच्छा है कि अपनी गॉसिप बता। हाँ, देखिए जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हैं ना तो आप शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं, ठीक है? आपको लोग बताते हैं, आपके फेलो एक्टर्स जो आपके साथ होते हैं तो वो कहते हैं यार तुम ना ये कर लो फिर तुम्हारी बात बन जाएगी, तुम वो कर लो तो तुम्हारी बात बन जाएगी। अच्छा, अच्छा आप इंडस्ट्री में जो मेरे बारे में गॉसिप ये है कि मैं ना किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करने वाला। तुम किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करने वाले हो, ये तो तुमने खुद बनाई ड्रामा में। नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाई सर, आप यूट्यूब पर जाके देखें, एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम ही लूंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम सारों का एक रोज का काम है अपनी इस तरह की गॉसिपें बनाना। नहीं मतलब बात सुनो, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी क्या? अच्छा, कहानी क्या? कहानी इसके पीछे ये है, मैं आपको जो कहता हूँ शॉर्टकट वाली। आजकल लोगों को लगता है कि जी किसी एक्टर के साथ कोई स्ट्रगलिंग एक्टर अगर शादी कर लेता है तो उसकी बात बन जाती है, मतलब ही इज थ्रू, ठीक है? और ऐसी मिसालें हैं अभी? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, पकड़ा गया था, निकल गया। ऐसी कोई मिसाल है? मच्छली की तरह हाथ से निकल गया। कोई कैसा सवाल डाला? मैं तो चुप हूँ। देखिए तौसीफ भाई, जो एक्टर्स पहले शादी कर चुके हैं दोनों, वो दोनों इक्वली फेमस, इक्वली नॉन एक्टर्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल ये बात फिर फैसल वहीं जाती है, सोशल मीडिया और गॉसिप, और उसके अंदर आप होते हैं फिर फॉलोअर्स। जब आपका कोई ना कोई स्कैंडल या आपका कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज सामने आती है तो फिर आपके वो फॉलोअर्स या लाइक्स बनते हैं। भाई अंदर की कहानी बताऊं आपको? बता दो। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो खुद ब्लॉगर्स को पैसे देते हैं इस तरह के स्कैंडल्स बनाने के लिए। जी, सो दैट यू आर इन द न्यूज़, सो दैट यू आर इन सोशल मीडिया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, यू आर ट्रेंडिंग। वो पे करते हैं। और ये अभी की बात नहीं है सर, ये 90s से होता चला आ रहा है, लॉलीवुड की दुनिया से। उस वक्त जब मैगजीन्स होते थे, लोग मैगजीन्स में देखते थे, अच्छा उसका फलाने के साथ चक्कर चल रहा है, ओए बाबर अली और रीमा का चक्कर चल रहा है। ये तब की बात है, तब से ये चल रहा है, एंड इट्स ऑलवेज देयर एंड इट्स एवरीवेयर। इट्स हॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी है, सब जगह होता है। फैसल थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़े का सेशन रहा तुम्हारे साथ। हम बड़े अरसे से इस चक्कर में थे। फैसल आता है कभी कभी, जब भी इस्लामाबाद तो अपना सेगमेंट तो ज़रूर लेके आता है। Exactly. लेकिन आज हमने सोचा कि फैसल की अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है वो आपके सामने हम रखें, अनफोल्ड करें। ऑल द बेस्ट, राइजिंग पाकिस्तान आपका अपना शो है और हमने आपको पक्का कभी खुदा हाफिज़ नहीं किया, ये मतलब सिर्फ आपको लॉन्ग लीव दी। ये दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। सिंस दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन दिस शो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में सबसे, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी,
मैं आज जिस जगह पे हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो बहुत सारे लोगों का है, मेरे टीचर्स का है, लेकिन अभी मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई है. अभी मैंने बहुत आगे जाना है और बहुत काम करना है. मैंने कंट्रीब्यूट करना है इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने में कंट्रीब्यूट करना है. लेकिन इस पूरी जर्नी के पीछे देर इज़ जस्ट वन पर्सन आई वॉन्ट टू टेक, तौसीक भाई. तौसीक भाई इज़ द पर्सन जिनकी वजह से आज मैं वो हूँ जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं हो सकता हूँ. जीते रहो, खुश रहो. बहुत बहुत शुक्रिया. राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि हम चाहें आपसे इजाजत. आज का शो आपको कैसा लगा? बहुत से सेगमेंट्स थे, बहुत से मेहमान थे, बहुत सी बातें हुई. इस हवाले से कोई चीज़ आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहें, ऐसे कंपैरिजन पिक्चर्स के साथ ना, जैसे आज हमने फैसल की ढूंढ के लगाई, आप भी हमें अपनी कंपैरिजन पिक्चर्स भेज सकते हैं. और आप बता सकते हैं कि अपने आप को हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल में लाने की आपकी मोटिवेशन क्या थी. जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि हर एक ने तो टीवी पे नहीं आना होता, तो आम आदमी की मोटिवेशन क्या हो सकती है, हमें ये डिटेल्स जरूर बताइएगा. बिल्कुल जी, गोल अपने हमें जरूर बताइएगा ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे होते हैं. आपसे हम सीख रहे होते हैं, हम आपसे सीख रहे होते हैं, हमारे मेहमानों से आप सीख रहे होते हैं. सोशल मीडिया पे हमें जरूर बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.